आजकल ये फ़ोन पे कौन यूज़ नहीं करता मेरे भाई, बताइए आप लोग ही। ये फ़ोन पे इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा, इतना घटिया हो चुका है ना ये फ़ोन पे। इससे कुछ भी ट्रांजैक्शन करो साला, 2400 घंटे ये फेल्ड ही होता है या प्रोसेसिंग में गिरते। अब लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, ये आपका बैंक का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्रूफ बता देता हूँ। वन डे एगो मैंने पेट्रोल पम्प पर 300 रुपये उसको मारे, लेकिन मेरे अकाउंट में से डेबिट भी हो गए और ये अभी तक साला ये पेंडिंग में ही है। देखिए, कल दोपहर 1 बजे मैंने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद ये अभी तक नहीं हुआ। जब मैं कॉल बैक लगाता हूँ इसको, जो कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर सपोर्ट है उनसे मेरे को कॉल आता है, तो मैं वहाँ पर उनको बोलता हूँ तो वो लोग मुझे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लो। वेरिफिकेशन के लिए प्लीज आपका पूरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शेख आबिद है मैडम। थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन। कितना अमाउंट था? ये 300 रुपीज़ था मैडम। कल मैंने पेट्रोल पंप पे फोन पे के थ्रू उसको पेमेंट किया, क्यूआर कोड पेमेंट किया, बट मेरे उसमें से डेबिट हो गए ना। उस बंदे को पैसे जा रहे हैं ना, मेरे को वापस रिफंड आ रहा है वो। ठीक है, 300 रुपये आपने किया, राइट? यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है? हाँ, यूपीआई ट्रांजेक्शन किया मैडम मैंने। ठीक है, तो सर कोई इशू नहीं है। जब भी हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो अमाउंट प्रोसेसिंग में चला जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है, तो ट्रांजेक्शन प्लस 1 वर्किंग डे का वेट करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने कल का दिन ये ट्रांजेक्शन किया, तो आज एंड ऑफ डे तक का वेट कर लीजिए। ठीक है सर? ओके मैडम, मैं कर लूंगा, बट आ जाएंगे ना ठीक शाम तक। ओके, एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो अमाउंट आएंगे मेरे को आएंगे या उस बंदे को जाएंगे? हाँ, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ सर। इसमें क्या होता है ना, आपके पास दो सीनरी है, या तो ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा या आप ही के अकाउंट में रिवर्स होगा। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ मैडम कि उनके पास ना जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको कैश पेमेंट कर दिया है, तो ये वापस एक्चुअली मेरे सर को आ जाए। क्षमा चाहूंगी सर, जो सुविधा हुई है उसके लिए, लेकिन सर हम इस पेमेंट को रोक नहीं सकते हैं। तो आज एंड ऑफ डे तक आप वेट कर लीजिए, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। ओके ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, यही अगर पेमेंट सेम टाइम पर मैं जी पे या पेटीएम से करता तो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ। ये फोन पे से क्यों होता है? माँ घटिया आप है, ये तो हमेशा का ऐसा ही है इसका।